सर, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर वाईएस परमार हॉस्पिटल में एडमिट था और मैं अपना टाइफाइड का इलाज कराने आया था। मुझे थोड़ी सी खांसी थी और बुखार मुझे ऑलमोस्ट लगभग ठीक हो गया था मेरा। खांसी की वजह से इन्होंने मुझे कोविड टेस्ट में डाल दिया कि कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं 30 तारीख को आया और मुझे दूसरे दिन कोविड टेस्ट के लिए बोल दिया। आज मेरा कोविड टेस्ट का जो अपना रिपोर्ट आया उसमें इन्होंने पॉजिटिव निकाल दिया। ठीक है जी, सबसे पहले तो मुझे जब सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला गया 1 बजे आने के लिए, तो मैं बेसिकली वहाँ 1:30 बजे पहुँचा। मेरे को उससे पहले ही मैसेज आ चुका था 1:18 पे कि आपके सैंपल तो ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये सैंपल ऑलरेडी कौन दे के गया है, मैं तो यहाँ पे बेड पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे सैंपल कैसे ले लिए। तो उन्होंने अपनी गलती को छुपाने के लिए थोड़ा सा कहा कि नहीं, ये ऐसे हो जाता है कई बारी, तो और मेरे को दोबारा से सैंपल के लिए बुला लिया गया। अगले दिन हुआ ये कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मैंने उनको चैलेंज किया कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं हो सकती, मैं ठीक हूँ और मैं छुट्टी जाना चाहता था वैसे भी, कि मेरे को तो अब खांसी भी नहीं है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, उन्होंने डिस्चार्ज करने के लिए बोला, तो उन्होंने सीधा लिख के मांगा हमारे से कि आप लिख के दो कि हम यहाँ दोबारा इलाज नहीं करेंगे आपका, कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन हमने दूसरे हॉस्पिटल से फिर भी अपना एक टेस्ट करवाया, कोविड टेस्ट, और उसमें जो है अपना वो टेस्ट मेरा नेगेटिव निकला है। सेम वही जो कि अपना PCR PTR जो अपना करवाते हैं हम लोग टेस्ट, अपना RT-PCR जो कि टेस्ट दोनों जगह सेम ही करवाया मैंने, और उन टेस्ट में मैं नेगेटिव आया। मैं हॉस्पिटल गया वापस तो हॉस्पिटल वाले उस चीज़ को छुपाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और ये मेरे साथ ही नहीं, मुझे लगता है कि ये हर एक यहाँ पे जो दूसरा तीसरा कोई भी पेशेंट आता है सस्पेक्टेड में डाल के उसे सीधा पॉजिटिव वाले इसमें वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ये सिर्फ एक सरकार से पैसा बटोरने वाला काम कर रहे हैं, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। और ऐसा आज मेरे साथ पहली बार ही नहीं हुआ है। मेरे साथ थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति ने ये शेयर किया था कि कल भी किसी एक के साथ ऐसा ही हुआ था, पिछले कल भी कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, बट कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और डॉक्टर प्रवेश करके वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो और तुम लोग कहते हो कि हम लोग करवा लेंगे, तो हमने कहा कि हाँ जी हम लोग अपना रिपोर्ट दूसरी जगह से करवा लेंगे अगर हमें डाउट है तो। लेकिन वो हमें रिफ्यूज़ कर रहे हैं दोबारा उस चीज़ के लिए कि हम लोग तो 15 मिनट वाली रिपोर्ट भी नहीं मानेंगे, अगर 15 मिनट बाद भी रिपोर्ट देके आओगे तो भी नहीं मानेंगे। तो मतलब हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरीके से वो इलाज करने के मूड में है, वो सिर्फ अपना काम बस किसी ना किसी तरीके से धक्के से आगे करना चाहते हैं। और जो कोविड की तरफ से, कोविड की संस्था की तरफ से पैसा आता है वो बेफजूल में अपनी जेब में डालने के लिए घूम रहे हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ की संस्था का क्या हिसाब किताब है, बट ये बहुत गलत हो रहा है। और अगर ये आवाज़ मेरी कहीं पहुँचती है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे नाहन, पूरे हिमाचल, पूरे सिरमौर में जाए और इस चीज़ को बुलंद करे कि किसी भी बंदे को 10 से 15 दिन के लिए वैसे ही क्वारंटाइन मत करो, क्योंकि और भी लोगों को काम है।